ओके, केमिकल्स इन फूड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड कलर्स, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू द फूड आइटम्स. अब आपने कलर्ड फूड आइटम्स कहाँ देखे होंगे? मार्केट में मिठाई की दुकान सबसे बेस्ट, वहां आप पीले रंग का लड्डू देखते हो, ऑरेंज कलर का लड्डू देखते हो, और फेस्टिवल सीजन होता है तो कोई ग्रीन कलर का रसगुल्ला, कोई पिंक कलर का रसगुल्ला, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा. तो फूड कलर्स देखे भी हैं, फिर आप खाते भी हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ रंगत आएगी. और रंग क्यों चाहिए? सो दैट वो अट्रैक्टिव दिखे. जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके घर में कोई सफेद रंग का हलवा खाता है, किसी के घर में कलर डालकर हलवा बनता होगा. घर में कलर नहीं डालते होंगे तो वो हनुमान मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, ऑरेंज कलर का होता है. तो आप किसी भी दुकान से ये फूड कलर्स आसानी से मिल जाते हैं. अब हमारा काम क्या है, हम किस चीज को स्टडी करने वाले हैं कि ये फूड कलर्स हैं क्या. 19th सेंचुरी तक कौन से चीजों को हम एज अ फूड कलर यूज करते थे? अब आप लोग 10th लेवल तक एक बार एक्सपेरिमेंट करते हो ना, ग्रीन लीव्स लेके उनको क्रश करते हो, ग्रीन कलर निकाल लेते हो. किसी गुलाब की पंखुड़ियों को अगर आप मसलें तो उसमें से पिंक कलर आ जाएगा. पॉज देना. ओके, मेरे पास ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, ठीक है. मैं कोशिश करती हूँ इसका कलर निकालने का. और दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये गुलाब की पंखड़ी से मैंने कलर निकाला. तो दिस इज नेचुरल डाई. ये वो डाई है जो नेचर में मौजूद है, और 19th सेंचुरी तक हम यही कर रहे थे. तो ये जो मैंने लिखे हैं, अगर आप देखें, अब कैरोटीनॉइड्स, इनके अंदर होता है येलो एंड ऑरेंज कलर. क्लोरोफिल्स, सबको पता है, ग्रीन कलर. एंथोजेंथिन्स, क्रीम येलोश कलर. फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स, अभी जो कलर आया ना मेरे हाथ पे, ये फ्लेवोनॉइड्स हैं और एंथोसायनिन्स हैं. एक्चुअली जो सायनिन कलर है ना, ये ब्लू पर्पल को शो करता है, और फ्लेवोनॉइड्स के अंदर रेड कलरेशन ज्यादा रहती है. तो गुलाब की पंखुड़ी के अंदर ये वाले कलर है नेचुरल. तो ये तो नेचर के कलर्स हैं, इनके अंदर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता. अब बारी आई सिंथेटिक की, हम कितने सारे गुलाब खराब करेंगे? एक्सपेरिमेंट के लिए तो हो गया, हम ज्यादा नहीं कर सकते. तो सिंथेटिक केमिकल्स, क्योंकि केमिकल साइंसेस का काम ही ये है कि सिंथेटिकली जो चीज नेचर में है सेम उसी तरह की डुप्लीकेट बना देंगे, लेकिन केमिकल फॉर्म में. तो सिंथेटिकली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. एक केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फूड कलर्स के अंदर अलाउड हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है जो फूड कलर्स के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. हैं वो कलर्स, तो जो अलाउड हैं वो एक तो है एजोडाइज. एजोडाई के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता है. एजो मतलब नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाली बॉन्डिंग रहती है. तो एजोडाइज ये देती है रेड कलर. तो जो मिठाई आप रेड कलर की लेके खाते हो, या कोई टॉफी आप मार्केट में देखते हो जिसका कलर रेड है, बहुत सारी टॉफी मार्केट में है अलग अलग फ्लेवर के साथ, अलग अलग कलर रहता है उसमें. देन पायरोलोजोन डाई, इसको एडिट करवा लें, पायरोलोजोन डाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर. इंडिगोइड ब्लू, इंडिगो कलर आपको पता है ब्लू कलर का होता है. देन ट्राई फिनाइल मीथेन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर. अब ये तो अलाउड है केमिकल इन फूड इंडस्ट्री, ये वाले अलाउड नहीं है. कुछ लोग जो ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, हर जगह पे
मिलावट चली रहती है, तो अगर आप ये वाले कलर्स मेटेलिक देखते हैं तो अवॉइड करनी है वो चीज खाने के लिए। तो मेटेलिक कलर्स के अंदर कंपाउंड्स ऑफ एंटीमनी, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, मर्करी, लेड, जिंक। वेजिटेबल कलरिंग मैटर गैम्बॉग, गैम्बॉग डाई को अलाउड नहीं करते। देन कोल टार कलर्स, इसमें है कैबेजोटिक एसिड, डाइनाइट्रोक्रिजोल, नेप्थोल येलो एंड मार्टियस येलो। ये वाले जो डाइज हैं दीज आर नॉट अलाउड इन फूड इंडस्ट्री और ये वाले अलाउड हैं। तो फूड कलर्स, अब हम तो सिंथेटिक की बात करेंगे, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रोवाइड टेम्पटिंग कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स टू द फूड आइटम्स।